डी के कामा से बड़ी खबर आ रही है। अवैध खनन के दौरान भरभराकर ढही पत्थर की खान, मलबे में दबी 5 डंपर और 2 पोकलेन मशीनें, 3 मजदूर भी मलबे में दब गए हैं और मलबे में दबने की वजह से एक मजदूर की मौत भी हो गई है। फिरोजपुर निवासी मुबारक खान की मौके पर ही मौत हुई। मलबे से 2 मजदूरों को अब बाहर निकाला गया है। पुलिस ने अस्पताल की मॉर्चरी में मृतक का शव रखवा दिया है। देर रात करीब 2 बजे की ये घटना है। देर रात 2 बजे अचानक से खान ढह गई, मलबा इतना ज्यादा था, 3 मजदूर उसके अंदर दब गए। 1 मजदूर की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है और जिस मजदूर की मौत हुई उसके शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। देर रात करीब 2 बजे के लगभग ये घटना हुई, लेकिन उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 2 मजदूरों को बाहर भी निकाला गया है। पुलिस ने अस्पताल की मॉर्चरी में मृतक का शव रखवाया। तो खान ढहने की वजह से मलबे में दबे 3 मजदूर, अब 2 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा चुका है। अवैध खनन के दौरान यह हादसा हुआ। सबसे बड़ी बात, अवैध खनन रोकने को लेकर इतनी आवाज उठाने के बावजूद भी अवैध खनन नहीं थम रहा है। और हमारे सहयोगी हरिओम जुड़ गए इस खबर पर। हरिओम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 3 मजदूर दबे जिसमें से 2 को बचाया जा सका, 1 की मौत हो गई, जो 2 लोग बचे हैं उनकी क्या स्थिति है? वहीं दूसरी तरफ ये अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रहा है प्रशासन? जी नंदनी, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कामा मेवात क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से बंद नहीं होता है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से अवैध खनन से भरे वाहन भी निकलते हैं जिसको प्रशासन रोकने में अभी तक नाकाम रहा है। और इसी दौरान कल देर रात 2 बजे के करीब अवैध खनन किया जा रहा था, उसी दौरान खान ढह जाती है और खान में ढहने से 2 पोकलेन मशीन में 5 डंपर दब जाते हैं और साथ ही 3 मजदूर भी दबते हैं जिनमें से 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाता है और 1 मजदूर की दबने से मौत हो जाती है। और जो मजदूर की मौत हुई है उसे फिलहाल में पहाड़ी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है लेकिन अभी तक प्रशासन पर जो अवैध खनन होता है वो कभी भी यहाँ पर रुका नहीं है। जी नंदन, हाँ जी हरिओम, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि खुलकर जब ये खबरें आ रही हैं कि अवैध खनन हो रहा है उसके बावजूद भी अब इस खबर के बाद क्या किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? ये मजदूर वहां पर काम कर रहे थे लेकिन किसका काम कर रहे थे, कौन वो मेन व्यक्ति है जो अवैध खनन करवा रहा है, उसे लेकर क्या कोई कार्रवाई हुई? जी नंदनी, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आ रही और प्रशासन भी अभी तक कोई खास जानकारी नहीं दे पाया मीडिया कर्मियों के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये प्रशासन द्वारा अवैध खनन कैसे हो रहा है यहाँ पे और इस पर फिलहाल में अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई होती है। शुक्रिया हरिओम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तो प्रशासन के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर इतनी अवैध खनन की खबरें आने के बावजूद भी, जब इतना बड़ा हादसा भी अब हो गया है डीक के कामा में, उसके बाद भी क्यों ये जांच नहीं की जाती है कि कौन अवैध खनन करवा रहा है? और अगर पुलिस को नाम पता है तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या कोई मिलीभगत होती है? कुछ समझ नहीं आता कई बार ऐसी खबरें जब सामने आती हैं।